देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में माधव जी एडमिट हुए हैं। ये महाराष्ट्र से हैं और माधव जी को लीवर में पहले था प्रॉब्लम, लीवर का ऑपरेशन ये करा चुके, कीमो भी ले चुके हैं और उसके बाद इनको लंग्स में आ गया। माधव जी जब इंदौर हमारे यहाँ देवी अहिल्या में एडमिट हुए थे तब ये बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ आए थे। इनको कफ में ब्लीडिंग आता था और आवाज इनकी बिल्कुल बैठी हुई थी, आवाज बिल्कुल नहीं निकल पा रही थी, भूख बिल्कुल नहीं थी, मोशन नहीं होता था, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, गले में दर्द और भी पेट में भी दर्द था, भारीपन रहता था पेट में। हमने 7 दिन का इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट दिया है। अब माधव जी खुद बताएंगे कि उनको कितना राहत मिली और क्या क्या तकलीफ थी। जी माधव जी बोल। हमको तकलीफ थी एक दी कि पेट साफ नहीं हो रहा था, वो आवाज बढ़ गई थी, वो बलगम में थोड़ा खून जा रहा था तो कम हो गया अभी, तो अब भूख बढ़ गई हमारी। अच्छा, तो मुंह में थोड़ा ये हो गया क्या, ब्लड आ रहा था वो भी कम हो गया, कम हो गया, स्वाद स्वाद आ गया मुंह में, भूख बिल्कुल नहीं थी, नहीं थी, स्वाद भी आ गया है आपका, अब आपको खाना अच्छा लगने लगा है, पेट भी साफ हो रहा है, हैं? और पेट में जो भारीपन लग रहा था वो भी कम हुआ है, कम हो गया। तो कुल मिला के आपको कितने परसेंट राहत मिल गई? तो 70-75 70-75% 7 दिन में आपको राहत मिली। आपके साथ आपकी पत्नी भी आई है, बेटा भी आया है। जी नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। हाँ, मेरा नाम संध्या वाघमारे। जी संध्या माधव जी वाघमारे। जी हमारे पति को लीवर का ये हुआ था इन्फेक्शन, उनका ऑपरेशन कराया तो 1.5 साल अच्छा हुआ उनको, बाद में अचानक वो खून आने लगा बलगम में से, फिर भूख कम होते चली गई जी, आवाज बैठ गई जी, बुखार चढ़ने लगा जी, मुंह में स्वाद नहीं था जी, जबान में छाले आए थे जी, तो 7 दिन में बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा। हाँ, सब कुछ मिला के इलाज अच्छा था, सब कुछ मिला के। बेटे भी आए हैं इनके साथ, इनके बेटे बताएंगे। जी क्या देवी अहिल्या, मेरा नाम अनिल वाघमारे है। देवी अहिल्या हॉस्पिटल में आने के बाद हमें जो तकलीफ थी वो दूसरे दिन से ही राहत मिलना शुरू हो गई जी, मतलब उसका रिजल्ट हमें महसूस होने लगा जी। आपको देवी अहिल्या के बारे में कैसे पता चला? हमारे डॉक्टर साहब है, कॉलोनी के फैमिली डॉक्टर है, उन्होंने पता भेज दिया आपको। जब उन्होंने बताया, आप एलोपैथी भी ट्रीटमेंट ले चुके हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आपके लिए एकदम नया ट्रीटमेंट था। हाँ। तो आपने यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा कि एलोपैथी के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कैसा है? पहले तो ऐसा लगा हम हॉस्पिटल में आए ही नहीं। हाँ। मतलब कुछ तो भूले भूले ऐसा लग रहा था, हॉस्पिटल का है क्या है, मतलब कुछ दूसरा इंजेक्शन नहीं है, कुछ दूसरी सर्जरी नहीं है, कोई सर्जरी कुछ टाका भी कुछ नहीं है, वो स्मेल भी नहीं है, जो हॉस्पिटल की जो स्मेल आती है वो भी नहीं है जी। और इसलिए हमको महसूस ही नहीं हुआ कि हम हॉस्पिटल में हैं जी, घर जैसा ही वातावरण है, बहुत है, बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है पूरा स्टाफ। चलिए थैंक यू। हम आपको 1 मंथ का मेडिसिन देके डिस्चार्ज कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप पूर्ण रूप से ठीक होंगे। ये 7 ही दिन के इलाज में आपको इतना फायदा हुआ है, बस आपसे एक गुजारिश है कि आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, गुस्सा नहीं करना है और टाइम पे अपनी दवाइयां लेते रहना है। धन्यवाद।